हेलो दोस्तों, वशिष्ठ पॉलिटेक्निक कॉलेज और वशिष्ठ आईटीआई कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं रवि व्यास आज आपको फर्स्ट ईयर जो है, जो कॉमन है हर एक ब्रांच के लिए, चाहे वो सिविल है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, चाहे मैकेनिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मैं इन चारों ब्रांचों के लिए जो कॉमन सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके बारे में आज आपसे यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बता दूं आपको कि वशिष्ठ पॉलिटेक्निक कॉलेज और वशिष्ठ आईटीआई में जो सत्र 2023-24 के लिए, सत्र 2023-24 के लिए एडमिशन स्टार्ट है, बहुत ही साधारण फीस पे जो एडमिशन हो रहे हैं, और साथ में एससी एसटी ओबीसी बीपीएल वालों के लिए छात्रवृत्ति सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। तो जो भी बच्चा आईटीआई करना चाहे या पॉलिटेक्निक करना चाहे, तो वो हमारे द्वारा जो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है जो ये दिए गए, इस पे संपर्क कर सकता है। पिछले सालों में जो कॉलेज में बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका जो गवर्नमेंट में सिलेक्शन भी हुआ है, जो कि आप इस आपके जो आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं जो सिलेक्शन हुए हैं उनकी फोटोज यहाँ है, और भी बच्चे इस साल भी जो है वो सरकारी जॉब्स में, अलग अलग तरह की, प्राइवेट में तो बहुत सारे हुए हैं पर सरकारी में भी जो है उनका सिलेक्शन हुआ है। अब अपने सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे कि पांच पे फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसमें पांच पेपर होंगे। पहला पेपर जो रहेगा वो यहाँ पे मैथमेटिक्स का रहेगा, 1001। जब कभी भी आप आज के बाद सुनो कि 1001, मतलब एक का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर 1001 का मतलब, वो कौन सा रहेगा आपके पास? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स फर्स्ट, ठीक है। दूसरा पेपर आपका रहने वाला है 1002, मतलब पहले सेमेस्टर का दूसरा पेपर, वो क्या रहेगा? फिजिक्स का, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, ठीक है। तीसरा पेपर अपने देखें यहां पे, तो तीसरा पेपर रहने वाला है 1003, ठीक है, किसका रहेगा? केमिस्ट्री का। उसके बाद अगर आप देखो तो अगला पेपर जो रहेगा वो आपका 1004 कोड जो है वो है इंग्लिश का, कि बेसिक कम्युनिकेशन स्किल जो है, बोलने का तरीका सीखना, जब कभी आपका डिप्लोमा हो जाएगा तो इंटरव्यू में जाओ तो कैसे बोलेंगे, कैसे अगले से बात करनी है, वो पेपर आपका। इसमें इंग्लिश की ग्रामर भी आप पढ़ेंगे, और 1005 है ड्रॉइंग के बारे में कि कोई मशीन बनेगी उनको जो है अपने क्या है डिजाइन कैसे करें, इंजीनियर ग्राफिक्स, या आप इसको बोल सकते हैं ड्राइंग के बारे में। तो ये पांच आपके पेपर जो है फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, ब्रांचेस चाहे सिविल है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे मैकेनिकल है, ठीक है। अब जब अपने पढ़ेंगे सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में क्या रहेगा कि अगर फर्स्ट ईयर का जैसे सिलेबस अपने देखें मैथ का, मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले मैथ की, मैथ में क्या रहेगा अब देखते हैं। जैसे कि पहला पेपर था 1001, वो क्या है? मैथमेटिक्स फर्स्ट। पेपर जो आएगा वो इस हिसाब से आएगा कि पेपर है वो तीन सेक्शन होंगे, ए बी और सी। ए रहेगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एबीसीडी वाले, ठीक है। अब बी की बात करें तो बी सेक्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, छोटे क्वेश्चन होते हैं उनका, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो 10 क्वेश्चन रहेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे बी सेक्शन में रहेंगे वो 8 रहेंगे, उसमें से आपको कितने करने होंगे? 6 करने होंगे। और तीसरा सेक्शन जो सी है वो है बड़े क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और वो क्या है? 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 4 आपको करने होंगे। पेपर आएगा 60 मार्क्स का। तो ये पैटर्न रहेगा जो अपने एग्जाम अपने होना है मैथमेटिक्स का, या और भी कोई फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी एग्जाम होंगे, ठीक है। पैटर्न देख लेते हैं, क्वेश्चन को सोल्व भी करके देख लेते हैं कुछ को। जैसे कि अपने क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे, पहला ही क्वेश्चन आया, क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं? 25 का मान क्या रहेगा? साइन 225 का मान। तो मैं जब भी त्रिकोणमिति पढ़ूंगा तो मैं उसको 4 भागों में बांटूंगा कि जो कोण होते हैं, कोण क्या रहेगा? 0 डिग्री से 360 डिग्री, ठीक है। इसके बीच में क्वाड्रेंट को बांटते हैं 4 बराबर हिस्सों में। तो पहला क्वाड्रेंट जो रहता है उसमें 0 से 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलूंगा मैं, क्वाड्रेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा? 90 से 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट जो रहेगा
वो रहेगा 180 से 270 डिग्री तक, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा वो रहेगा 270 डिग्री से 300 डिग्री तक। तो इन चार भागों में मैंने बांटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें क्या रहता है, ऑल पॉजिटिव साइन कोस टेन या इससे जुड़े हुए जैसे सेक कोसेक और कोट, ये सब पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड जो है इसमें क्या, थर्ड में टेन पॉजिटिव रहेगा या इससे बनने वाली जो है जैसे कोट होता है वो पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ जो है उसमें कोस पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या दिया अपने को, साइन 225। तो साइन 225 का मतलब कौन से में आ रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 225 का मान 180 से 270 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या कौन सी है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, तो इसको अपने तोड़ेंगे कैसे, कि जब भी साइन यहाँ आया 225 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 180 प्लस 45। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को जब टेबल में देखूँगा तो मेरे को मान किसके पता है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक के टेबल में मान पता, जैसे कि 10वीं में अपने पढ़े हैं। तो मैंने उस एंगल को यहाँ जो एंगल है वो मैं 0 से 90 के अंदर का ही रखूँगा। तो मैंने देखा 225 एंगल था, तो 180 में 45 जोड़ा कितना हुआ 225। है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, थर्ड में सिर्फ 10 पॉजिटिव रहता है, ये क्या है साइन, तो साइन तो आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि 10 के अलावा जो सब क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। तो साइन 180 प्लस 45 तो ये किसके बराबर हुआ, माइनस साइन 45। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, तो साइन क्या लगा हुआ था माइनस का। तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या रहने वाला है अपना, डी। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप बेसिक थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो आप क्वेश्चन करते जाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपने, कोई भी, जैसे ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या रहता है साइन ए माइनस बी। अब जैसे ये देखते हैं कि साइन 72 कोस 72 माइनस कोस 72 साइन 12। ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला किसके बराबर हो गया, देखो कि साइन ए कोस बी, ये काट दो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसका मतलब ये है जो यहाँ ए था पहले क्या है 72 डिग्री और बी यहाँ क्या था 12 डिग्री, तो अब जो ए है वो कहाँ आ गया, पहले साइन के साथ था अब किसके साथ आ गया, कोस के साथ, और 12 जो था पहले कोस के साथ था अब किसके साथ आ जाएगा, साइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस 72 और साइन 12, तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ साइन ए कितना था 72 और बी कितना था 12, तो 72 में से 12 गए 60, साइन 60 का मान कितना हो गया √3/2। इसका उत्तर कौन सा सही होगा, √3/2। इसी तरह और भी क्वेश्चन अगर अपने देखना चाहें तो और भी क्वेश्चन देख सकते हैं अपने, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपने, इसमें क्या एक फंक्शन दिया है, जैसे पहला चैप्टर था त्रिकोणमिति, दो क्वेश्चन उसके आगे, फिर फंक्शन के आगे, फंक्शन क्या दिया हुआ आपको, f(x) -2x + 1। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है, f-1 का फंक्शन निकालना है, तो यहाँ x की जगह क्या रख देंगे -1, इसका मतलब यही तो हुआ, तो -1³ - 2 × -1 + 1, x की जगह -1 रखते जाएंगे, -1³ कितनी होती है -1, -1 + +2 + 1 = 3, 3 में से 1 चला गया 2, तो आंसर क्या हो गया इसका, बी आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, इसी हिसाब से इन क्वेश्चनों को क्या करते रहेंगे अपने, सरल करते चले जाएंगे। तो इसी हिसाब के पैटर्न में जो है पेपर रहेगा, तो अगले वीडियो में देखेंगे पूरा पेपर, ये सॉल्व करेंगे अपने कि पिछले साल का पेपर कैसा आया, और उस हिसाब से अगर आगे और भी क्वेश्चन आप देखना चाहो, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसने क्या कहा है, थीटा 0 तक, थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट आपको बताऊंगा, पेपर को सोल्व करते करते ही पढ़ेंगे मैथ को, जिससे अपने को क्या है थोड़ा आसान रहेगा, ये किसके बराबर है, इसका मान क्या है वो ज्ञात करना है। पहला तरीका तो है जब भी ऐसी आपको संख्या मिले इसका उत्तर हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, फिर भी नहीं पता तो आप क्या करेंगे, इनको इनका अवकलन कर देंगे, वो फॉर्मूले आपको बताऊंगा किसका अवकलन क्या रहता है, साइन थीटा का अवकलन रहता है कोस थीटा, और थीटा का अवकलन रहता है 1। ये अवकलन समाकलन पढ़ेंगे तब देखेंगे अपने। अब थीटा किसके बराबर है, 0 के,
तो कोस जीरो, कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? तो मेरा जो ए क्या रहेगा इसका आंसर रह जाएगा, तो एक मेरा डी जो इसका आंसर रह जाएगा। इस हिसाब से इन क्वेश्चन को अपने सोल्व करते जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे इस पेपर को सोल्व करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं।